Hello students. In previous video, we have discussed the two questions of e-part. That is right to benefits of eating cooked food. So two benefits are food becomes soft, tasty, and easily digestible. And food becomes germ-free and safe to eat. And then uh, what happens to vegetables when they are overcooked? So overcooking se kya Our Nutrients destroy ho jate so overcooking can destroy many of the nutrients of vegetables now we will do the remaining questions so uh, next question is differentiate between differentiate differentiate means uh, difference hai aapne, differentiate between uh, boiling and frying बॉइलिंग एंड फ्राइंग के बीच में क्या डिफरेंस है सो दैट यू हैव टू राइट डाउन सो आई होप दैट ऑल द मेथड्स ऑफ कुकिंग आर क्लियर टू यू एंड नाउ यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्राइंग सो वी विल मेक अ लाइन और हम इसमें क्या लिखेंगे वन साइड को बॉइलिंग और दूसरी साइड को हम फ्राइंग के बारे में लिखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है वी विल कंपेयर देम राइट उनकी जो डिफरेंसेस हैं हम वो इसमें लिखेंगे नाउ व्हाट इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग बॉइलिंग के लिए हम uh, क्या यूज करते हैं यू नो दैट फॉर बॉइलिंग वी यूज वाटर राइट बॉइलिंग में आप क्या यूज करते हैं वाटर बॉयल वाटर यूज करते हैं वाटर को हम बॉयल करते हैं और उसमें जो फूड आइटम जो होता है वो कुक हो जाता है बट इन केस ऑफ फ्राइंग वट वी यूज वी यूज ऑयल हॉट ऑयल राइट हॉट ऑयल यूज करते हैं हम फ्राइंग के लिए और बॉइलिंग के लिए हम वाटर यूज करते हैं सो so, ए वाटर इज यूज वाटर इज यूज फॉर फॉर बॉइलिंग राइट बॉइलिंग के लिए क्या यूज होता है वाटर यूज होता है एंड फ्राइंग में क्या यूज होता है हॉट ऑयल और यू कैन से ऑयल ऑयल भी लिख सकते हैं हॉट। ऑयल इज यूज फॉर फ्राइंग सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस फ्राइंग में हम बिल्कुल भी ऑयल सॉरी वाटर यूज नहीं करते वी यूज ओनली ऑयल एंड इन केस ऑफ बॉइलिंग वी यूज वाटर और वाटर को यूज करते हैं सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है यही है बॉइलिंग में हम वाटर यूज करते हैं और फ्राइंग में ऑयल एंड सेकेंड हम क्या कुक कर सकते हैं बॉइलिंग से पल्सेस राइट पल्सेस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग हम क्या कुक uh, कर सकते हैं Pulses. दाल जो दालें होती है वो हम क्या कौन से मेथड से प्रिपेयर uh, कुक uh, करते हैं बाय बॉयलिंग इन वाटर एंड जो हमारा फ्राइंग है उससे हम क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं वी हैव डिस्कस दैट वी कैन प्रिपेयर पकोरास जलेबीज एंड समोसे So, ये सारी चीजें हम फ्राइंग uh, मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सो राइट पकौड़ा एंड जलेबी आर प्रिपेयर प्रिपेयर बाय फ्राइंग सो हम फ्राइंग से क्या कर सकते हैं पकोड़ा uh, जलेबी Uh, jaisi hum bana sakte so these are the uh, difference between boiling and frying. now uh, we have a value-based question and uh, you know that we have a story in this question. so let us discuss uh, this story. and this story is about tanya. so uh, tanya was invited to mahima's birthday party. सो so, महिमा की बर्थडे पार्टी में ताइना, तानिया को इनवाइट किया है एंड शी वाज एक्साइटेड टू मीट हर फ्रेंड्स देयर और यू नो दैट जो बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें क्या होता है जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं एंड सो तानिया वाज एक्साइटेड बहुत उसके मन में एक्साइटमेंट थी खुशी थी और अपने दोस्तों से मिलने का बहुत खुशी थी एक्साइटमेंट थी उसको कि वहां पर वो अपने फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स से मिलेगी एंड मदर अरे फूड आइटम्स सो यू नो दैट बर्थडे पार्टी जब अरेन्ज करते हैं तो बर्थडे पार्टी में क्या होता है बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं अच्छे अच्छे खाने की चीजें होती है और वैसे ही महिमा की मदर ने भी बर्थडे uh, पार्टी के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट करी थी फूड्स आइटम्स की और उन फूड आइटम्स में क्या क्या था स्प्राउट्स फ्रेंच फ्राइज बर्गर उपमा इडली कटलेट्स सो दीज आर द फूड आइटम्स दैट महिमाज मदर हैज अरेज सो आफ्टर द केक वॉज कट सो सबसे पहले यू नो Uh, जब बर्थडे पार्टीज में क्या होता है केक कट होता है एंड आफ्टर द केक वॉज कट तान्या हैल्प महिमा इन सर्विंग द फूड और केक uh, कट होने के बाद फिर uh, बाकी जो फूड uh, आइटम्स होते हैं उनको सर्व किया जाता है अलोंग विद केक सो उसके लिए क्या है महिमा जो थी वो सर्व कर रही थी फूड अपने फ्रेंड्स को सो so, uh, जो तान्या थी शी हेल्प महिमा इन सर्विंग द फूड सो दिस शोस दैट इज अ हेल्पिंग गर्ल और बहुत ही हेल्प करने वाली दूसरों की उसने देखा कि महिमा जो है वो अकेले ही सर्व कर रही है सो so, वो उसने भी जाके तानिया ने महिमा की हेल्प करी फूड सर्व करने में वाई डूइंग सो शी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स फ्रेंच फ्राइज कटलेट्स एंड बर्गर्स सो जब वो सर्व कर रही थी तो आ, उस, उसने देखा किसने तानिया ने तान्या ने देखा कि जो ज्यादातर उसके फ्रेंड्स थे वो क्या ले रहे थे बर्गर फ्रेंच फ्राइज कटलेट्स ये चीजें ले रहे थे बट हमारे जो आ, द, आ, क्या क्या फूड आइटम्स वहां पर प्रेजेंट थी स्प्राउट्स थे फ्रेंच फ्राइज बर्गर्स उपमा इडली कटलेट्स बट उसके फ्रेंड्स क्या ले रहे थे कटलेट्स ज्यादा ले रहे थे बर्गर्स ले रहे थे और फ्रेंच फ्राइज ज्यादा ले रहे थे और यहां पर क्या है स्प्राउट्स उपमा इडली ये वो जो उसके फ्रेंड्स है वो नहीं ले रहे थे एंड बट तान्या अवॉइडेड ऑल सच फूड्स लेकिन जो तानिया है वो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इनको अवॉइड करती थी अवॉइड मीन्स वो उसने उनको उन फूड आइटम्स को नहीं लिया अवॉइड किया मतलब नहीं लिया एंड ऑप्टेड फॉर उपमा एंड इडली और उसने इंस्टेड ऑफ फ्रेंच फ्राइज बर्गर एंड कटलेट लेने के बजाय उसने क्या लिया उपमा एंड इडली राइट सो नाउ आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ वी हैव फोर क्वेश्चंस read those questions and try to uh, find out the answers and in next video we will discuss uh, these questions and also uh, something to do uh, of this lesson thank you